आकर खिला सकते हो। प्लीज वहां से शुरू करो। वेल भैया तो बड़े भाई तो कोई मसला नहीं है, आज आपका किचन और आपकी बात है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा केक्स एंड कुजीन। आज आप कह रहे होंगे कि आयशा आज बैक कैमरा क्या कर रही है, तो मैं आपको ये हैमबर्गर्स दिखा रही हूँ। बट एक बड़ा सरप्राइज है मेरे पास आज आपके लिए कि ये हैमबर्गर मेरे किचन में आज कौन बना रहा है। तो 1 2 3 एंटरा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज मैं जिम गया हूँ ईद की छुट्टियों के बाद, और जब वर्कआउट कर रहा था तो मुझे पता चला कि मेरे लिए एक बहुत स्पेशल पोस्ट मील तैयार हो रही है। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो हमारे बड़े भाई बना रहे हैं। माय बिग ब्रदर इज़ मेकिंग बीफ बर्गर्स। जैसे बकरा ईद गुजरी है तो आपको पता है घर में जो है वो बीफ की चीज़ें बनती हैं, पर आई एम ऑल्सो बिग ऑन बीफ। तो मुझे जो पसंद है वो स्टेक्स पसंद है और बर्गर्स पसंद है, एंड आई कांट वेट टू हैव दीज स्पेशल बर्गर्स। और मेरे लिए एक चैलेंज भी है, बता दूँ भाई। चैलेंज ये है कि इन्होंने आज बीट बर्गर्स बनाए, इन्होंने कहा उमर तुम्हारे लिए चैलेंज है कि तुम मुझे नेक्स्ट क्या खिलाते हो, जो कि ऑब्वियसली मैं इन बर्गर्स को बीट नहीं कर सकता, वो मैं खा के आपको मजीद बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट मैं आपको बना के कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर बताऊंगा आयशा केक्स एंड कुजीन के पेज पे, सो स्टे ट्यून्ड। और भैया बताएं तो कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स मोर, थोड़ा सबर करना पड़ेगा। 10 मिनट के बाद मैं ये बर्गर खाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा, और आप रेसिपी तो आई एम श्योर आप फॉलो कर ही लेंगे। जो फीडबैक है वो आपको मैं खा कर ही बताऊंगा, सो स्टे विद मी। भैया मुझे भी दे दे, मैं खाद लगा ताकि भैया आज तो मेरी सारी रेसिपीज एक तरफ और भैया के हैमबर्गर्स एक तरफ। और सबसे मजे की बात यह है कि ये जो जो कुक हो रहा है वो इस तरह का माइल्ड हो रहा है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, एंड इट लुक्स डीप जूसी एज वेल। क्योंकि जो बीफ बर्गर होते हैं वो जितना जूसी हो उतना ही मजा करता है, उतना ही आपके जो मुंह में है वो आराम से बड़ा इजीली मेल्ट हो जाता है। आज मेरे भी मजे होने वाले हैं, आज मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा किचन में। ना ही बोले क्योंकि आज हमें सामने अपफ्रंट तो हम बोलेंगे, लोगों ने बहुत आपकी ऑडियो सुनी। चले भाई कोई मसला नहीं, आज आपका किचन और आपकी बात है। उमर अब बोले तो काम करो। चलो उमर शाबाश, वहाँ जाके बैठ रहा था कि मुझे सर्व होगा। चलो आज भैया की तो हेल्प कराओ तुम। चले आज उमर आपको जिम में नहीं, आज उमर आपको किचन में नजर आने वाला है। किचन की गर्मी चले हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले भैया ने बारीक कीमा लिया, इसके अंदर नमक और काली मिर्च डाली हैं और थोड़ा सा ऑयल डालकर जो है इनके पैटी बना लिया, और इनको फ्राई कर लें, और जब फ्राई हो जाएं तो उसके ऊपर हल्का सा जो है वो चीज़ स्लाइस रखिए जब वो मेल्ट हो जाए। इसके बाद जो है वो बंस को बटर में हल्का सा फ्राई कीजिए, उस पर केचप मायो और हरी चटनी की लेयर दें। उसके बाद जो है वो एक एक सलाद का पत्ता रखिए, उसके बाद जो है वो कॉल स्लॉ बनाई और उसकी एक लेयर दी है। इन दी एंड इसके ऊपर पैटी रख दें, और आखिर में टमाटर और खीरा रखकर हैमबर्गर रेडी हैं। जी गाइस, सो दिस इज द बेस्ट फीलिंग एवर, जब आप किचन के बाहर हों और आपको किचन में खाना बिल्कुल तैयार मिले और बेहतरीन सा। तो आज मेरे किचन में यही हो रहा है, तो चलते हैं किचन में। अब टेस्टिंग टाइम है तो देखते हैं बर्गर्स कैसे बने। हाँ उमर क्यों निकल गए तुम्हारे पसीने जरा से, बस टेस्टिंग टाइम में। वाकई में एक तो शूटिंग से अलग पसीना, ऊपर से किचन में आके, लेकिन किचन का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। खैर गर्मियाँ तो वैसे भी हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी भी खवातीन हैं घर में जो किचन में टाइम स्पेंड करती हैं, रियली मैसिव रिस्पेक्ट। बिल्कुल थैंक यू। बर्गर्स जो हैं वो रेडी हैं, और मैं पहली बाइट लेकर बताना चाहता हूँ भैया बड़ी मेहनत से बनाया। Let's try it. How come this is so good? ये तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे टाइप का है। It's not spicy. It's very इतना कि आप होठों से खा लें। जैसे मैंने कहा था कि बीफ क्वालिटी आपकी ऐसी हो, लेकिन जो कुक हुआ है वो बिल्कुल मेरे मतलब का हुआ है। बिल्कुल भी सॉसी नहीं। आपको कैसे मेरे टेस्ट का पता चला? आप तो वैसे भी यहाँ जर्मनी में रहते हुए आपको पता चला कि मुझे जो है वो बिल्कुल स्पाइसी। भैया स्पाइसेस बताएं इसमें क्या आपने डाले हैं? यार इसके बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, जस्ट सिंपल सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ऑयल।
लिटरली उमर, इसमें सिर्फ भैया ने 3 इंग्रेडिएंट्स डाले और मैं खुद शौक में हूँ कि इतना यमिलीशियस। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपका जो है ना बीफ बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी होना चाहिए और उसमें 80% बीफ हो और 20% उसमें फैट भी जरूरी है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी। ब्लैक पेपर है इसको, जर्मन में क्या कहते हैं? शॉर्ट स्टेट है। आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं, आप पूरी रेसिपी इसकी देखें और ट्राई जरूर कीजिएगा। बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज इट्स वेरी, आई एम सेइंग इट्स वेरी हेल्दी क्योंकि जितना आप स्पाइसी बनाते हैं, मिर्ची होती है, वो खाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होता। तो फॉर मी इट्स वेरी हेल्दी क्योंकि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है और इसमें इतने सॉसेज नहीं है। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स बताए, इसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आई एम गोइंग टू एंजॉय माय बर्गर मेड बाय माय ब्रदर। थैंक यू सो मच भैया, बहुत और नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बनाऊंगा और मैं आपके चैलेंज को बीट करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। होपफुली कि मेरे अब किचन में उमर शहजाद कुछ कुकिंग करे, होपफुली। और पंप चेक करें भैया, जो खाके पंप। So guys, stay tuned and don't forget to follow this page, share it and subscribe Aisha Cakes and Cuisine. Stay tuned for a lot of more videos to come on your way. बहुत मजे मजे की और अब यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। थैंक यू भैया एंड उमर शहजाद आज मेरा किचन संभालने के लिए। क्योंकि शोर की आवाज आ रही है, बच्चे भी वेट कर रहे हैं बेचारे, जल्दी करते हैं। चलें सही है, ओके अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा और मैं आपके फीडबैक्स का बहुत इंतजार करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।